द क्लाउन सीरीज में अब तक आपने देखा बेरिक टाउन में रहने वाली आना नाम की एक 13 साल की लड़की को पिछले कुछ महीनों पहले एक क्लाउन डॉल मिलती है और तब से वो बहुत अजीब बिहेव करने लग जाती है। वहीं बेरिक टाउन में एक के बाद एक अनजान मर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं। पहले एक टीनेजर रॉबिन का भयानक रूप से मर्डर हो जाता है। उसके अगले दिन ही जॉनी नाम के एक और टीनेजर की भी एक दर्दनाक मौत हो जाती है। सभी मर्डर विक्टिम्स के चेहरे पर एक क्लाउन का मेकअप मिलता है। इन सब के बीच एना स्कूल से घर वापस नहीं आती। बहुत ढूंढने के बाद एना मुंह पर क्लाउन वाले मेकअप के साथ एक ग्रेवयार्ड में मिलती है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को जेम्स नाम के एक सीरियल किलर के बारे में पता चलता है, जिसने 10 साल पहले ठीक वैसे ही मर्डर्स किए थे जैसे अब हो रहे हैं, पर जेम्स ने 10 साल पहले ही सुसाइड कर लिया होता है। दूसरी ओर एना के पेरेंट्स जब उसे एक चाइल्ड थेरेपिस्ट डॉक्टर रीटा के पास ले जाते हैं तो एना एक साइको किलर की तरह डॉक्टर रीटा का एक कैची से मर्डर कर देती है। डॉक्टर रीटा के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करते हुए ऑफिसर जेराल्ड एना की मॉम के घर जाता है और एना के बारे में पूछताछ करता है। घर की छानबीन करने पर उसे एना के रूम से एक वुडन बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर का सामान देखकर ऑफिसर जेराल्ड ये दावा करता है कि एना उस साइको किलर जेम्स की बेटी है और उसी ने बेरिक टाउन के सारे मर्डर्स किए हैं। अब आगे मुझे लगता है कि अब 10 साल के बाद मर्डर वो नहीं कर रहा है, बल्कि आपकी बेटी कर रही है। What nonsense? ये क्या बोल रहे हैं आप? I'm sorry, आपकी बेटी नहीं, जेम्स की बेटी। जेराल्ड की ये बात सुनकर मेगन की रूह कांप गई। असल में एना अडॉप्टेड थी। मेगन और स्टीव को कोई बच्चा नहीं हो रहा था और इसीलिए उन्होंने एक ऑर्फनेज से एना को अडॉप्ट किया था। लेकिन मेगन या स्टीव को यह नहीं पता था कि वो एक सीरियल किलर जेम्स की बेटी थी। मेगन ने जेराल्ड को पूरी बात बताई। जेराल्ड ने तब मेगन को बताया कि एना का असली नाम जेन था और उस वीडियो टेप में जेम्स किसी और के साथ नहीं बल्कि अपनी बेटी जेन के साथ ही खेल रहा था। जेन की असली मदर और अपनी बीवी को भी जेम्स ने ही मार डाला था। जब जेम्स ने मेंटल असाइलम में सुसाइड की थी तो जेन सिर्फ 3 साल की थी, इसलिए जेन को ऑर्फनेज में डाल दिया गया था, जहां से मेगन और स्टीव ने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसको एना नाम दे दिया। जेराल्ड ने मेगन को यह भी बताया कि पिछली शाम डॉक्टर रीटा का भी मर्डर हो गया था, जिसे सुनकर मेगन के होश उड़ गए। जेराल्ड ने बताया कि जब उनकी केस फाइल में उसे मेगन का नाम दिखा तो उसे एना की ऑर्फनेज के अडॉप्शन पेपर्स की याद आ गई। लेकिन इन सब का शहर में हो रहे मर्डर से क्या रिलेशन है? मतलब साफ है, एना अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है और वो अपने मरे हुए बाप की तरह लोगों को मार रही है। सब के सब टीनेजर्स जिनका मर्डर हुआ है वो उसके स्कूल में ही पढ़ते थे, और फिर डॉक्टर रीटा का मर्डर जो एना से मिलने के बाद किसी से नहीं मिली। सब कुछ एना की तरफ ही सिग्नल करता है। और वो एक छोटी सी लड़की है, वो ये सब कैसे? वो तो उसी से पूछना पड़ेगा। ऑफिसर, फीमेल ऑफिसर को भी बैकअप के लिए एना के स्कूल बुला लो। लेट्स गो। जेराल्ड एना के घर से उसके स्कूल के लिए निकल गया। जेराल्ड को लगा कि उसे अब सारे क्लूज मिल चुके हैं, लेकिन एना के घर के गार्डन में पड़ी वो क्लाउन डॉल उसकी आंखों से नजरअंदाज हो गई थी। वहीं एना की मॉम मेगन अपने आंसू लिए दरवाजे पर शॉक्ड खड़ी थी। मेगन ने स्टीव को फोन मिलाया और रोते हुए कहा, स्टीव, स्टीव, प्लीज जल्दी आ जाओ। जेराल्ड को अब सब साफ साफ समझ आ रहा था। उसे यकीन हो गया था कि एना ही इन सब मर्डर्स के पीछे है, और उसके मन में एक बात अभी भी खटक रही थी कि 13 साल की एना को ऐसा क्या हुआ
जो उसने इस तरीके से इतने भयानक मर्डर्स किए, और वो वुडन बॉक्स उसके पास कहां से आया। इन्हीं सवालों की तलाश में जेराल्ड अपनी टीम के साथ पहुंच चुका था एना के स्कूल, पर एना अपनी क्लास में नहीं थी। इनफैक्ट वो स्कूल में कहीं भी नहीं मिल रही थी। जेराल्ड की टीम की एक फीमेल पुलिस ऑफिसर जब गर्ल्स वॉशरूम के अंदर गई तो उसे कुछ बेहद अजीब दिखा। वॉशरूम के शीशे पर खून से लिखा था, हेलो सरप्राइज सरप्राइज। उस फीमेल ऑफिसर ने जैसे ही ये पढ़ा, उस वॉशरूम में किसी लड़की के अजीब तरीके से हंसने की आवाजें आने लगी। वो आवाज वॉशरूम के एक टॉयलेट से ही आ रही थी। जब उस फीमेल ऑफिसर ने नीचे झुककर उस टॉयलेट की ओर देखा तो उसे वहां एक लड़की के पैर दिखे। लेकिन तभी उस टॉयलेट का दरवाजा खुला और सीधा उस फीमेल ऑफिसर के मुंह पर जा लगा, जिससे वो नीचे गिर पड़ी। एक लड़की हंसते हुए उस टॉयलेट से बाहर आई। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एना ही थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पूरी तरह से पागल हो चुकी हो। उसके पूरे चेहरे पर एक क्लाउन का मेकअप था, कुछ अलग सा ही मेकअप। एना बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। एना के हाथ में वही गुब्बारे थे जो मर्डर विक्टिम्स के गले से बंधे होते थे। एना ने उन गुब्बारों की रस्सी से उस फीमेल ऑफिसर का गला दबाना शुरू कर दिया और उसका गला घोट घोट के उसे वहीं पर मार डाला। एना उसके बाद पागलों की तरह हंसने लगी। वॉशरूम से आ रहे शोर को सुनकर जेराल्ड की टीम उस वॉशरूम के अंदर गई और उन्होंने एना को अरेस्ट कर लिया। उसे फौरन पुलिस स्टेशन लेकर आया गया। उसे इंटेरोगेशन रूम में बिठाकर बांध दिया गया, लेकिन वो फिर भी पागलों की तरह हंसती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि एना और ज्यादा भयानक होती जा रही हो। तभी जेराल्ड वो वुडन बॉक्स लेकर इंटेरोगेशन रूम में घुसा और एना से सवाल करने लगा। एना, कैसे मारा रॉबिन, जॉनी और रीटा को? बोलो बोलो। एना कुछ नहीं बोली, बस हंसती रही। अपने बाप जेम्स की तरह तुम भी पागल हो चुकी हो। ये सुनकर एना के चेहरे से हंसी गायब हो गई और अब वो जेराल्ड को देखकर अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगी। जेराल्ड ने वो वुडन बॉक्स एना के सामने रख दिया और उससे पूछा, ये वुडन बॉक्स कहां से मिला तुम्हें? हैं? बताओ मुझे, बोलो एना बोलो। एना फिर कुछ नहीं बोली, बस वो अपनी पैनी नजरों से जेराल्ड को घूरती रही। जेराल्ड एक पल के लिए 13 साल की एना से घबरा सा गया था, लेकिन तभी जेराल्ड का फोन बज उठा। सर, एना के पेरेंट्स मेगन और स्टीव का मर्डर हो गया है और उनके चेहरे पर भी वैसा ही क्लाउन मेकअप है। जेराल्ड ये खबर सुनकर पूरी तरह हिल चुका था। एना जेराल्ड का पीला पड़ा चेहरा देख फिर से जोरों से हंसने लगी। जेराल्ड सुन पड़ गया था। उसे पूरा यकीन था कि एना ने ही सारे मर्डर्स किए हैं, लेकिन फिर अब किसने स्टीव और मेगन को मार डाला था, यह उसकी समझ से परे था। तभी एना हंसते हुए बोली, मेरे डैड वापस आ गए, वो अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। एना ये कहते ही पागलों की तरह हंसने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी हंसी की आवाज पूरे पुलिस स्टेशन में गूंज रही हो। अचानक से इंटेरोगेशन रूम में रखे उस वुडन बॉक्स ने आग पकड़ ली और वो जलने लगा।
पुलिस स्टेशन की सारी लाइट्स तेजी से जलभुज होने लगी। उस आग में जलते वुडन बॉक्स की रोशनी में एना को फिर वही भयानक क्लाउन दिखा। उस क्लाउन ने मुस्कुराते हुए एना की तरफ वेव किया। इस बार एना को उस क्लाउन में जेम्स की झलक दिख रही थी और एना ने भी मुस्कुराते हुए जेम्स को यानी उस क्लाउन को वापस वेव किया और दोनों एक दूसरे को देखकर जोरों से हंसने लगे। दोस्तों, ये था खूनी मंडे की ओरिजिनल सीरीज द क्लाउन का पहला सीजन। अगले सीजन के लिए हमारे चैनल को करो सब्सक्राइब, इस वीडियो को करो लाइक और द क्लाउन सीरीज को करो आईएमडीबी पर रेट। और अब फाइनली वो घड़ी आ गई है जब आप हमसे रूबरू होंगे, यानी जब मेरा और मेरी टीम का होगा फेस रिवील। द क्लाउन सीजन 2 के लिए अपनी फैन थ्योरीज हमें भेजिए khoonistories@gmail.com पर। अगर हमें किसी राइटर की थ्योरीज और स्क्रिप्टिंग पसंद आई तो हम उस राइटर को अपनी टीम में शामिल करेंगे और उसे ट्रेनिंग भी देंगे। और अब चेकआउट टीजर फॉर द क्लाउन सीजन 2।